नमस्कार इंस्पिरेशनल गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों जॉब जंक्शन में आपके लिए बड़ी खबर आ रही है इस बार राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर जिसको पहले आर एस एम एस एस बी नाम से भी जाना जाता था अगर जानना चाहते हैं क्या है वो न्यूज़ तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें जी हाँ चलिए शुरू करते हैं आर एस एम एस एस बी की वेबसाइट पर जाकर जैसे ही आपको जॉब दिखाई दे रही है इस तरह की विंडो दिखाई दे तो आप न्यूज़ नोटिफिकेशन में जाएँ

तो पहला जो एनटीटी के एग्जाम के रिगार्डिंग है दोस्तों उसमें दे रखा है आपको राजस्थान महिला एवं बाल विकास राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम उन्नीस एवं संशोधित नियम 2011 के अंतर्गत निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के कुल तेरह अनुसूचित क्षेत्र के हजार एवं अनुसूचित क्षेत्र के तीन पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या पंद्रह बटा दिनांक इक्कीस अगस्त दो के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे उक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2019 रविवार को प्रातः साढ़े आठ बजे से साढ़े ग्यारह बजे के मध्य सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उक्त परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि कर कर परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा केंद्रों पर नकल एवं प्रतिरूपण की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं तो ये कुछ आपके लिए न्यूज थी एन की परीक्षा के बारे में जो कि आपकी दस फरवरी को आठ साढ़े आठ से साढ़े ग्यारह के बजे रखी गई है तो दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो भी पढ़ लेते हैं दूसरा है दोस्तों आर महिला आंगनबाड़ी उसमें क्या लिखा है इन्होंने लिखा है दोस्तों कि ये जो भर्ती आई थी 200 309 पदों के लिए और इनका भी जो एग्जाम है आपका 10 फरवरी को रखा गया है ढाई बजे से साढ़े पांच के मध्य तो आपकी दोनों ही इन एग्जाम्स की डेट या दिनांक के बारे में जिक्र हुआ है और नेक्स्ट विज्ञप्ति वो भी आपके लिए इसमें कहा गया है दोस्तों कृषि परीक्षा की अठारह 1832 टोटल पदों पर जो विज्ञप्ति निकली थी उनका भी एग्जाम 10 फरवरी 2019 रविवार को प्रातः ग्यारह से एक बजे के मध्य सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो इन तीनों ही भर्तियों के आप जो एडमिट कार्ड हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी डब्ल्यू इन पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जाएगा तो आप वहां पर विजिट करें और वहीं से अपना नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको डाउनलोड करें और अच्छे से तैयारी करके दें परीक्षा आपकी परीक्षा सफल हो आप परीक्षा में सफल हो इसी कामना के साथ एक बार आपसे फिर अलविदा लेते हैं किसी अच्छी खबर के साथ फिर मुलाकात होगी